अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम कन्वर्जन। वी कैन कन्वर्ट अ नंबर फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर एंड वाइस वर्सा। हम एक नंबर को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन द फॉलोइंग वी डिस्कस कन्वर्जन अमंग डिफरेंट नंबर सिस्टम। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे हम किस तरह नंबर्स को उनकी कन्वर्जन कर सकते हैं। फर्स्ट है डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल। पहले डेसिमल से बाइनरी, फिर बाइनरी से डेसिमल का जाना है हमने। डेसिमल टू बाइनरी, टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर टू बाइनरी वी डिवाइडेड द नंबर बाय टू। डेसिमल से बाइनरी को कन्वर्ट करने के लिए हमें नंबर को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, टू से, एंड टेक क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। और हम इसका क्वेश्चन और रिमाइंडर लेना पड़ेगा। वी कंटिन्यू डिवाइडिंग द क्वेश्चन बाय टू अंटिल वी गेट क्वेश्चन जीरो। हमें क्वेश्चन को डिवाइड से टू करते तब तक डिवाइड करते रहना टू से जब तक क्वेश्चन क्या होगा, जीरो नहीं आ जाएगा। वी राइट आउट ऑल द रिमाइंडर्स इन रिवर्स ऑर्डर टू ऑबटेन द वैल्यू इन बाइनरी। हमने जो भी रिमाइंडर आएगा उसको रिवर्स ऑर्डर में लेना है, इसके लिए बाइनरी की वैल्यू के लिए। अब उसने एग्जांपल दिया, उसने कहा कन्वर्ट 156, उसकी बेस क्या 10 है, 156 इन डेसिमल टू बाइनरी, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर उसने करके दिया है, ये देखें जी, टू का टेबल उसने पढ़ा 7 तक, 7 to the 40 है, और वन जो कैरी था वो किसके ऊपर चला गया, 16 के ऊपर, 16 हो गया, 8 to the 16, तो रिमाइंडर क्या बचा, 0। अब 3 to the 6, यहाँ से वन क्वेश्चन वन रिमाइंडर उसके ऊपर आया 18 पे, 9 to the 18, रिमाइंडर क्या बचा, 0। 3 to 19 पे, 19 to the क्या होता है, 38 होता है, ठीक है। 2 to the 2, वन इसके ऊपर कैरी है, 9 to the 18, वन रिमाइंडर बचा उस पर आ गया। फिर 9 का टेबल उसने 2 तक पढ़ा, 9 to the 18, वन रिमाइंडर आया वहाँ पर बच गया। 4 to the 18, वन रिमाइंडर आया वो साइड पर आ गया। तो ये क्वेश्चन बच रहा है ये साथ साथ हमारे, 4 to the 8, 1 आ गया। फिर 2 to the 4, 0, 2 1, 2 to the 4, 0, 2 1 the 2, 0, ठीक है। और हमने क्वेश्चन को 0 करना था ना, तो उसने क्या किया जी, 2 1 1 को 2 से किया, 1 2 the 2, 0 आ गया। और इधर 0 0 2 the 0 होता है ना, तो ये 1 जो बचा है वो हमारे यहाँ पे रिमाइंडर में आएगा, ठीक है। तो क्योंकि हमने जो क्वेश्चन था उसको 0 करना है, तो इसकी जो रिवर्स ऑर्डर में लिखना था, तो रिवर्स ऑर्डर में इसकी वैल्यू रखी, इसकी आंसर क्या आएगा, 0 1 0 0 1 1 1 0 0, जिसका आंसर क्या आया, 1 0 0 1 1 1 0 0 2, मीन्स के ये 0 काउंट नहीं होगा क्योंकि ये क्वेश्चन का 0 था, ये रिमाइंडर 0 हो गया, यहाँ से होगा 1 0 0 1 1 1 0 0, ठीक है। और अब बाइनरी टू डेसिमल जाना है हमने, तो द कन्वर्जन ऑफ अ नंबर फ्रॉम बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम इज बिलोंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है जी डेसिमल में, क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी बेस के साथ, 2 कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, पीछे रह गए 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0। 2 की पावर 6 क्या होता है, 64, 64 को 1 से मल्टीप्लाई किया 64 आ गया। तो आगे ये सबको हमने मल्टीप्लाई करवाया, तो ये 0 सारे, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होने सारे 0 आने थे, यहाँ पे 2 की पावर 0 थी तो उसको 1 कंसीडर किया जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा। अब 64 को 1 से प्लस किया 65 हो गया, तो ये 65 का बाइनरी नंबर थी, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करवाया। आगे दब कंसीडर बाय फंक्शन, इसको हम किस तरह कर सकते हैं, राइट डाउन द बाइनरी नंबर विच इज, हम पहले बाइनरी नंबर लिखेंगे जो किस एग्जांपल में लिखा हुआ था, लिस्ट द पावर ऑफ 2 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट स्टार्टिंग विद 0। हम राइट से लेफ्ट उसको स्टार्ट करना शुरू कर देंगे उसकी पावर को 0 से। इन दिस एग्जांपल द पावर ऑफ 2 स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एंड एट 6। इसमें जो 2 की पावर है वो 6 से स्टार्ट हो रही थी राइट से, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 बन रही है ना, तो 2 की पावर जो स्टार्ट होगी वो 6 से स्टार्ट होगी, स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एंड एट 6, जो कि 0 से स्टार्ट हो रही थी और 6 पे एंड हो रही है, ठीक है। और इसका क्या जी, मल्टीप्लाई 2 स्क्रॉस स्पेंडिंग पावर्स टू ईच बाइनरी वाली,
जो बाइनरी वैल्यू होगी उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है उसकी पावर से। इन द अबव एग्जांपल देयर आर 7 बाइनरी वैल्यूज, जो एग्जांपल उसमें 7 बाइनरी वैल्यूज है। कंप्लीट कंप्यूट ईच वैल्यू, हर एक वैल्यू को हमने कंप्लीट करना है, उसको हल करना है। एट द ऑल द वैल्यूज वैल्यूज को मिलाना है। राइट द आंसर लॉन्ग विद दिस बेस सबस्क्रिप्ट, उसकी बेस के साथ हम उसकी उसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, आई होप आपको समझ आ गई होगी। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये वाली इसकी भी और इसको भी कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।